नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिला के विभिन्न सोशल मीडिया पर विगत कुछ घंटों से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के दोनों हाथों को पीछे की ओर करके एक रस्सी के सहारे बांधकर अमरूद के पेड़ से बांध दिया गया है। इस दौरान महिला काफी रो भी रही है, वहीं कुछ लोग भी उस स्थान पर मौजूद हैं, जो आपस में गाली गलौज भी कर रहे हैं। जब इस वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि वायरल हो रहा यह वीडियो उजियारपुर थाना क्षेत्र के गावपुर पंचायत स्थित दलसिंह सराय विशनपुर सड़क मार्ग के किनारे संचालित राजेंद्र औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र परिसर का है, तथा पेड़ से रस्सी के सहारे बांधी गई महिला भी गावपुर पंचायत की ही बताई जा रही है। वायरल हो रहे इस वीडियो के संबंध में सूत्रों का बताना है कि राजेंद्र औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के संचालक सुरेश कुमार सिंह वीडियो में दिख रही महिला से आईटीआई कॉलेज के पीछे का जमीन जबरदस्ती खरीदना चाहते थे, लेकिन उक्त महिला जमीन बेचना नहीं चाहती थी, जिसके बाद आईटीआई कॉलेज के संचालक सुरेश कुमार सिंह ने उक्त महिला के जमीन में से मिट्टी काटकर अपने कॉलेज के पीछे से डाल दिया, जिसका विरोध करने पर आईटीआई कॉलेज के संचालक व उसकी पत्नी ने उक्त महिला की जमकर पिटाई कर दिया तथा कॉलेज कैंपस में लगे अमरूद के पेड़ से बांध दिया। जब इसका विरोध पीड़ित महिला के परिजन ने किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इस मारपीट की घटना में गंभीर रूप से जख्मी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दरभंगा DMCH रेफर कर दिया गया। वहीं कॉलेज संचालक सुरेश कुमार सिंह का कहना है कि जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित कोई मामला नहीं है, उक्त महिला ने उनके पुराने घर के बगल में लगे बेल का पेड़ काट दिया था, जिसके बाद आशा देवी उसे पकड़कर कॉलेज कैंपस लाकर रखे हुए थी ताकि वह महिला भाग ना जाए, जिसके बाद उक्त महिला के परिजन लाठी डंडा से लैस होकर कॉलेज कैंपस आ गए, जिसके बाद उनके ससुर उजियारपुर थाना पर जाकर आवेदन दे दिए और महिला को छोड़ दिए। वहीं महिला को पकड़कर कॉलेज कैंपस तक ले जाने वाली महिला ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा भी है कि उक्त महिला बार बार रोड की तरफ भाग रही थी, वह रोड पर चलने वाली गाड़ियों के नीचे ना आ जाए इसलिए उसे बांध कर रखा गया था। वहीं स्थानीय ग्रामीण शंकर सिंह का कहना है कि राजेंद्र औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के संचालक दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, इतने दबंग हैं कि एक महिला के द्वारा उनके हाथों जमीन नहीं बेचे जाने के कारण उन्होंने उक्त महिला के बाल पकड़कर रोड पर घसीटते हुए लात घुस्सा से मारते हुए ले जाकर अपने आईटीआई कॉलेज के कैंपस में अमरूद के पेड़ से बांध दिया। वहीं स्थानीय मुखिया अजय कुमार का बताना है कि दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद में मारपीट की बात सुनने में आई है, हालांकि उन्होंने वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं इस संबंध में दलसिंह सराय SDPO दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि उजियारपुर थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ है जागेश्वर सिंह के नाम से, जिसमें कहा गया है कि एक केला के पेड़ को काटने को लेकर उनकी पत्नी व उनके साथ मारपीट की गई है। इससे संबंधित उजियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार इस वायरल वीडियो में दिख रही महिला के साथ मारपीट करने व पेड़ में बांधने के आरोपी आईटीआई कॉलेज संचालक सुरेश कुमार सिंह के खिलाफ 5 अप्रैल को आवेदन मिलने के साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी गई थी, लेकिन आज आरोपित की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। हालांकि न्यूज 20 बिहार की आवाज वायरल हो रहे इस वीडियो क्लिप के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। अभी तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार। बोलिए आपका बात नहीं माने को थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हमको हो गया छोड़। पुरानी घर पर जो है सो आम का पेड़, कटहल का पेड़, केला वगैरह, बेल वगैरह सारा चीज का पेड़ काट दिया। कोई थर्ड पर्सन यहाँ आया कहने के लिए जो कि तुम्हारा वहाँ बेल सब पेड़ सब काट दिया है, तब यहाँ से जो है स्वासा देवी गई, तब उसके साथ जो है सो पकड़ के आ तब यहाँ लाई, तो पकड़ के केवल रखल था जो कि मैंने वो भागे नहीं यहाँ से, और तब सब फरीक सब उधर से लाठी डंडा लेकर के आया है। और उसके बाद हमारा जो है सो ससुर जो हैं फादर इन लॉ वो गए हैं थाना, थाना में आवेदन दिए हैं, तब वहाँ से बड़ा बाबू कहे कि उस महिला को छोड़ दीजिए, इंक्वायरी हम कल करेंगे।
जमीन उसका जमीन जहाँ है उस ये इनके पूरे परिवार में जो है हर जमीन में चार टुकड़ा है। ये हमारे फादर इन लॉ चार भाई हैं तो चार टुकड़ा है और सबों का सब जगह शेयर है और शेयर देखने की चीज़ है वो उनका जमीन में। हम लोगों को कोई लावा धक्का नहीं है, हमको कोई जमीन से कोई सरोकार नहीं। झूठा मूठा जो है सो सारा फरीक मिल करके ये आरोप लगा। 8 दिन से उसको हम खाना देते थे, कल भी खाना हम दिए हैं, लेकिन वो कहता था कि हम जा करके रोड पर मर जाएंगे, इसीलिए हम बांध के रखे थे। घटना हुई इस महिला के साथ में बहुत अन्याय किया गया है, अन्याय किया गया है। जो दमनगिरी किए हैं जमीन नहीं लिखने के कारण, उनको पकड़ करके महिला को पीटते हुए घसीटते हुए, जिनको शरीर पर कपड़ा भी नहीं था, महिला के शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। और ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। न समाज का उनके पास डर है, न कानून का डर है, न प्रतिनिधि का डर है, किसी का डर नहीं रखते हुए बहुत बड़ा अन्याय किए हैं वो। किस बात को लेकर महिला को घसीट कर पेड़ से बांध दिए थे वो लोग? वो उतना तो मालूम नहीं, लेकिन हम जानते हैं, बगल के हैं तो जानते हैं कि जमीन उससे लिखवाना चाहते थे उनके हस्बैंड से। इसीलिए महिला अपने हस्बैंड को बोली कि ये आप जमीन नहीं लिखी, हमारा भी बाल बच्चा है। और जबरदस्ती चाहते थे कि आईटीआई कॉलेज में हमारा जमीन घट रहा है, जमीन देने के लिए। यही सब घटना हुई है। जमीन नहीं देने के कारण उनका गाछ वृक्ष भी काट करके मट्टी भर लिए हैं जबरदस्ती। कितने बजे की घटना है ये? करीब करीब 2:30 बजे। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है उतना हुआ। पूरा समाज वाले पूरा रोड पर घसीटते हुए, बाल पकड़ के घसीटते हुए महिला को ले गए हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ किया गया है? पुलिस प्रशासन को मैनेज किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन नहीं आई थी, रात तक नहीं आई थी, आज सुने हैं जो आई है पुलिस। एक गिरफ्तारी भी है इस मामले में? इस मामले में हम सुने हैं कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन किसी को अभी तक पता कहाँ ले गए, नहीं ले गए कि छोड़ दिए, जब तक पता नहीं है। उसमें जहाँ तक हमें पता है घटना जमीनी विवाद को लेकर घटित हुई है, जिसको जो वीडियो वायरल हुआ है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मगर गांव में जो बात चल रहा है वो दिमागी रूप से विकसित महिला है और उसको उसके द्वारा पेड़ काट दिया गया, तो उसी में दोनों गुट में मारा पीटी हुआ है, ऐसी घटना हमें सामने आई है। उजियारपुर थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ है जागेश्वर सिंह के नाम से, जिसमें कि आवेदन में है कि केला के पेड़ काटने को लेकर के उनकी पत्नी और उनके साथ मारपीट किया गया। इस संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रसर कार्रवाई की जा रही है।